हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अपने किचन में बनाए हैं तीन तरीके के स्मूदी। यहाँ पे पार्ले जी स्मूदी, ओरियो स्मूदी और ये है कॉफी स्मूदी। तो चलिए देखते हैं ये तीनों स्मूदियाँ मैंने बनाई कैसे। अब क्या कर लेना है, पहले हम बनाएंगे ओरियो की स्मूदी। तो इसके लिए हमें 20 रुपए वाला एक ले लेना है ओरियो का पैकेट। एक बिस्किट रख दीजिए गार्निशिंग के लिए। अब जार में डाल दीजिए बिस्किट्स। अब ऐड करिए आइसक्रीम। ये बिस्किट आइसक्रीम मैंने ओरियो बिस्किट को ही पीस कर दूध में इसकी आइसक्रीम जमा ली है। और अब एक गिलास ठंडा दूध। अब ऐड करिए कुछ आइस क्यूब। हमें इसको पीस लेना है और चीनी का इस्तेमाल ना करें। बिस्किट और हमारी आइसक्रीम में बहुत ही सही चीनी ऑलरेडी है, लेकिन अगर आप बहुत मीठा पसंद करते हैं तो आप एक चम्मच चीनी डाल सकते हैं। तो ये स्मूदी बिल्कुल रेडी हो गई है। एक गिलास ले लीजिए, आइस डालिए और स्मूदी सर्व कर। और अब गार्निश करिए बिस्किट के साथ इस तरीके से। तो ओरियो स्मूदी बिल्कुल रेडी है। तो दूसरी स्मूदी मैं बनाऊंगी पार्ले जी बिस्किट से। ये मैंने 10 रुपए की यानी कि 5 वाले 2 पैकेट लिए हैं। अब आप निकाल लीजिए 2 बिस्किट गार्निशिंग के लिए। और अब फिर से ऐड करिए आइसक्रीम, आइस क्यूब और एक गिलास ठंडा दूध। और अब इनको भी हमें पीस लेना है। फिर से ले लीजिए एक गिलास, डालिए आइस क्यूब और सर्व करिए अपने पार्ले जी बिस्किट स्मूदी। और इसको गार्निश करिए बिस्किट के साथ, जो हमने वो 2 बिस्किट बचा लिए थे। तो ये पार्ले जी बिस्किट वाली स्मूदी बिल्कुल रेडी है। तो जो तीसरी और आखिरी स्मूदी है वो बनाऊंगी मैं कॉफी की। अगर आपके पास इस तरीके से कॉफी का बैटर है जो कि हम फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं तो आप वो ले सकते हैं 3 चम्मच, या आप ले लीजिए ये सादा कॉफी, इंस्टेंट कॉफी 2 चम्मच। तो यहाँ सबसे पहले ऐड करिए आइसक्रीम 1 बड़ा चम्मच। याद रखिए मैंने सेम आइसक्रीम को ही तीनों स्मूदी में यूज किया है। 2 चम्मच कॉफी। आपको ज्यादा हार्ड कॉफी पीना पसंद है तो आप 2.5 चम्मच भी कर सकते हैं। अब डालिए 3 चम्मच चीनी, क्योंकि आइसक्रीम भी मीठी है। अब आइस क्यूब। कॉफी वाले में आपको दूध लगेगा 1.5 गिलास, क्योंकि इसमें बिस्किट नहीं है तो ये भर उतना ज्यादा वॉल्यूम इसका नहीं बन पाएगा। तो अगर हम 1 गिलास दूध रखेंगे तो आपके पूरे गिलास में ये आ नहीं पाएगा। तो 1.5 गिलास दूध रखिए और अब इसको भी पीस लीजिए, अच्छे से फेंट लीजिए। अब फिर से ले लीजिए 1 गिलास, आइस डालिए और ऐड करिए अपनी कॉफी स्मूदी। तो कॉफी स्मूदी को हम गार्निश कर सकते हैं। छन्नी में थोड़ा सा कॉफी डालिए और इसको इस तरीके से चारों तरफ छन्नी को घुमाते हुए स्प्रिंकल कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, इसके अलावा हम इसमें चिरौंजी भी ऐड कर सकते हैं, कटा हुआ बादाम या काजू भी ऐड कर सकते हैं। इतना सारा चीज मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप कुछ भी एक चीज ऐड करके इसको घर पर इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ तीनों स्मूदी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके पास वेफर्स रोल हैं तो प्लीज़ इन्हें डेकोरेट करिए अपने वेफर्स के स्टिक के साथ, ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छे लगे देखने में। और इन्जॉय करिए अपनी स्मूदी इस गर्मियों में। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, कोई भी स्मूदी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और हाँ, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। Bye, Allah Hafiz.